हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जा रही हूँ मेट्रो से। सो अभी अगर आप लोग मेट्रो से जाते हैं तो आप मेट्रो स्टेशन सरोजनी नगर पर उतर सकते हैं। उसके आगे का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस से बहुत इजी वे में आप जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम एग्ज़िट करते हैं। फाइनली हम सरोजनी नगर पहुँच चुके हैं। तो सरोजनी नगर से जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, लेफ्ट में मार्केट है आपके। अगर आप, वो डिपेंड करता है कौन से गेट नंबर से आप उतर रहे हो। मैं गेट नंबर 2 से उतरी थी, तो वहाँ से राइट में थी मार्केट। मैंने थोड़ा सा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने गोलगप्पे भी खाए। मुझे तो आज हम करने वाले हैं सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर। जुलाई में नया कलेक्शन क्या है समर्स के लिए, वो मैं आपको शो करूँगी। और जो भी जितना भी मैं ग्रैब कर पाऊँगी सारी चीज़ें, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और कोशिश करूँगी जितनी भी शॉप से मैं परचेज कर रही हूँ, शॉप नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इधर मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट। सो गाइज, ये है सरोजनी नगर मार्केट का मेन गेट, गेट नंबर 3। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री और भी जगह से है, बट मेन एंट्री यही है। तो चलिए एंट्री करते हैं और देखते हैं क्या आया है मार्केट में नया। सो सबसे स्टार्टिंग में हमने ये देखा, ये जंक ज्वेलरी का शॉप है राइट में, और लेफ्ट में कुछ और क्लोथिंग है, कुछ स्टॉल लगे हैं, कुछ शॉप्स हैं। तो मैंने कुछ टॉप्स देखे, मतलब एक ही पैटर्न में काफ़ी कलर ऑप्शंस थे। तो ये फर्स्ट शॉप में ही हम एंटर हुए थे। कुछ टॉप पसंद भी आए थे मुझे इसमें से, बट यहाँ पे टॉप की रेंज कम नहीं थी, वो 450-350 इस रेंज में था। तो यहाँ पे आप बार्गेन भी नहीं कर सकते हो, शॉप्स में फिक्स हो गया है। पहले शॉप्स में भी बार्गेन कर देते थे ये लोग, अब नहीं होता है। एंड वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, मैंने वीडियो बनाई है बहुत पूछ पूछ कर। ये टॉप काफ़ी पसंद आया था, बट बाय एनी चांस मैं इसको परचेज करना भूल गई। एंड फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, नेक्स्ट शॉप से लिया था, बट कलेक्शन अच्छी थी इन भैया की। और शॉप नंबर मुझे ध्यान नहीं है, मैं प्लान करके गई थी सबका शॉप नंबर पूछ कर रखूँगी, बट किसी किसी का शॉप नंबर याद है, अदरवाइज़ शॉप नंबर मुझे याद नहीं है। आगे कुछ थड़ी लगी हुई है जिसमें 100 रुपीज़ में आपको टॉप्स मिल जाएंगे। ये कुछ बैग्स की शॉप्स थी यहाँ पे, कुछ पैंट्स की शॉप्स भी थी। सो काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड की है मैंने अभी। एक यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ से मैंने एक ड्रेस परचेज किया था, हाँ ये इस शॉप से मैंने एक ड्रेस परचेज किया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम। काफ़ी सुंदर ड्रेस था, कुछ 500 की रेंज में था, एंड थोड़ा सा मैंने बार्गेन किया था, बड़ी मुश्किल से भैया माने थे। और एक छोटा सा स्टॉल लगा था यहाँ पे, 50 रुपीज़ में ऑप्शंस मिल रहे थे, 50 रुपीज़ के टॉप शर्ट एंड कैमी टॉप मिल रहे थे। बट यहाँ पे जो 50 रुपीज़ वाले आइटम्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है, तो मैंने वो परचेज़ नहीं किया। बट समहाउ अगर आपको कुछ इसमें से मिल सकता है अच्छा, तो आप चेक कर सकते हैं, बट मुझे नहीं समझ आया था तो मैंने कुछ नहीं लिया। जो ये थड़ी लगी हुई 100 रुपीज़ के टॉप हैं इसमें, सो इसमें काफ़ी ऑप्शंस थे, मतलब बेसिक टॉप्स भी थे, डिज़ाइनर टॉप भी थे। तो आई थिंक मैंने यहाँ से कुछ लिया था, हाँ मैंने एक टॉप लिया था यहाँ से ब्लैक कलर का, एक या नहीं मैंने 3 टॉप लिए थे। एक टॉप मैंने थड़ी से लिया था और बाकी 2 मैंने अंदर शॉप से लिए थे। एंड यहाँ पर ड्रेसेस लगी हुई थी 250 की रेंज में, तो इसमें से एक ड्रेस भी मैंने परचेस किया था। उसके बाद ये सामने ही कुर्ते की शॉप थी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी और वहाँ से मैंने मम्मी के लिए कुछ कुर्ती परचेस की थी, 4-5 कुर्ती परचेस की थी, बट वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि शॉप में मना कर दिया था रिकॉर्ड करने के लिए। सो यहाँ पर एक शॉप थी फ्लैट्स की, सैंडल्स की, तो मुझे फ्लैट परचेस करने थे, तो मैं शॉप में आई थी। यहाँ पे फ्लैट्स के रेट और सैंडल्स के रेट थे 250 रुपीज़ ओनली। सो मैंने यहाँ से परचेस किया था एक पेयर। सो देखिए, मैं कुछ ट्राई करी थी कुछ सैंडल्स, ये लेवेंडर कलर में भी काफ़ी अच्छा लगा था, बट मैंने इन दोनों में से कोई एक लिया है। सो आप गेस करो मैंने कौन सा लिया होगा, एंड प्लीज़ लेट मी नो। एंड इसके बाद फिर हम आगे निकले, बाहर निकले तो बारिश हो गई थी,
तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, बिकॉज जब हम सुबह गए थे, हम कुछ 12 बजे के आसपास गए थे, तब धूप आ रही थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। लेकिन बारिश होने के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो शॉपिंग करने में भी अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा हमने बारिश में भी इंजॉय किया एंड मार्केट एक्सप्लोर करी आगे चल के। तो मौसम तो बहुत सही हो गया था, बारिश वैसे भी बहुत सही लगती है जब गर्मी हो रही होती है। तो उसके बाद हम गए थे एक क्रॉकरी स्टॉल पर, ये इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरी मिल रही थी, बहुत सही रेट में मिल रही थी। कुछ ग्लासेस थे, केटल्स थे, कप्स थे, बुद्धा वगैरह भी थे, मतलब कुछ शो पीस भी इन्होंने रखे हुए थे। फिर नेक्स्ट शॉप में हम गए थे जहाँ पे पैंट्स मिल रही थी एंड कुछ 300 की रेंज में कुर्ती भी मिल रही थी एंड 200 और 150 की रेंज में पैंट्स मिल रही थी। सो वहाँ से हमने पैंट परचेज़ की थी, एक पैंट परचेज़ की थी हमने वहाँ से। एंड कलेक्शन तो बहुत कन्फ्यूजन थी, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम गए एक कैप का शॉप में, तो वहाँ पे कैप्स थी एंड बकेट हैट थे। बकेट हैट मैं ऐसे देख रही थी, मुझे लेना नहीं था, बहुत क्यूट लगती है तो बस ऐसे देख रही थी, तो ये भी शायद 150 की रेंज में थी। उसके बाद हम गए ज्वेलरी शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर इसमें अच्छे अच्छे बैंगल्स मिल रहे थे, इयररिंग्स थे एंड काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे इन भैया के, बैंगल्स थे एंड इयररिंग्स के साथ शायद रिंग वगैरह भी इन्होंने रखे थे, नेक पीसेस थे, तो काफ़ी अच्छा लगा इस शॉप पर आकर। फिर हम आगे गए, मुझे बैग लेना था। सो यहाँ पे एक बिक्सी शोरूम है, बिक्सी शोरूम के साथ में मंदिर है और मंदिर के जस्ट सामने वो बैग का शॉप है जहाँ से मुझे बैग परचेज़ करना था। यहाँ से बैग इसलिए परचेज़ करना था, यहाँ पे क्या है, जो ब्रांडेड बैग्स होते हैं उनके कॉपी मिलते हैं, जैसे ये वर्साचे का बैग भी देखा था मैंने, एक सभ्यसाची का बैग था। और भी ऑप्शंस थे बट जो मैंने बैग लिया था वो कोई ब्रांड से रिलेटेड नहीं था, वो ऐसे बेसिक था, क्योंकि उस टाइम पे कह सकते हैं पता नहीं कलेक्शन कम हो गई थी इनके पास क्या था, ज़्यादा ऑप्शंस मेरे को मिले नहीं, अदरवाइज़ इनके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं। एंड उसके बाद हमने जंक ज्वेलरी का एक वो देखा, एक आंटी जी थे वो लेके जा रहे थे, इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, नेक पीसेस थे, वो काफ़ी सही रेट में ये दे रहे थे, आई मीन ये खुद ही बता रहे थे 350, और जब मैंने बार्गेन भी नहीं किया, मैंने बोला नहीं लेना, तो करते करते 350 से 100 पर आ गए थे अब। एंड इयररिंग्स तो 50 की रेंज में भी थे, 50 और 100 की रेंज में थे, बट इयररिंग्स मैंने परचेज़ नहीं की। ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे बट सच मैं इयररिंग्स इतना डालती नहीं हूँ, तो जिस मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, अदरवाइज़ इयररिंग्स मैंने परचेज़ नहीं किए थे। So that's all about it, this video. Thank you guys. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Bye-bye. Take care.